नीला आसमान चांदी के समान चमकते हुए हिमालय पहाड़ और उसमें से निकलती बलखाती हुई चंद्रा रिवर और रिवर के ऊपर पुल पर अटखेलियां करते हुए मेहमान पर्यटक आज के इस लेटेस्ट नज़ारे को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वर्चुअली देख रहे हैं और आगे भी ऐसे नज़ारे देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अपनी आंखों से ऐसे नज़ारे को देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मनाली पैकेज और टैक्सी के लिए संपर्क कर सकते हैं, आगे डिटेल से मैं जानकारी देने वाला हूँ। इस प्यारी निराली और दुलारी और ठंड वाली लोकेशन है, छोटा रोहतांग पास की उपाधि देना चाहूँगा। जितनी रोहतांग पास के अंदर ट्रैफिक होता है लगभग उतना ट्रैफिक है और उतनी ही एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है जितनी रोहतांग पास पर, और बर्फ़ भी लगभग समान कह सकते हैं क्योंकि अभी ये लोकेशन आधी खोली गई है, आधी और खुल जाएगी तो बर्फ़ के भंडार है यहाँ। और ये लोकेशन है अटल टनल से मात्र 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और पहले आप ट्रैफिक देख लीजिएगा और एटीवी क्या है वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एटीवी का यूज़ करते हुए आप ज़्यादा बर्फ देख सकते हैं और ये रोहतांग पास के इक्विवेलेंट मान सकते हो। और आप रोहतांग पास ज़्यादा हाइट होने की वजह से यदि आपको डर लगता है तो इस लोकेशन पर आइएगा। और अभी तो बहुत ताज़ा बर्फ़ आपको जैसा कि पहाड़ों पर हम दिखा रहे हैं और हमारे टीम मेंबर है वो आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट। ये आज का ही वीडियो है और सभी हम लेटेस्ट वीडियो मोस्टली उसी दिन अपलोड करने का प्रयास करते हैं। तो आपको आइटनरी बनाने में, मनाली यात्रा कार्यक्रम बनाने में और लाहौल स्पीति की यात्रा करने में सुविधा रहे, लेटेस्ट जानकारी भी देते हैं और लेटेस्ट वीडियो के साथ देते हैं, ये हमारी विशेषता है। और 1000 से ज़्यादा वीडियो चैनल पर मैंने एक दिन पहले पूछा था, उसका काफ़ी सकारात्मक उत्तर मिला, यानी कि जो लोकेशन जैसी है वैसी हम दिखाएं या जिस तरफ बर्फ़ ज़्यादा है वो दिखाएं। तो आपका उत्तर ज़्यादातर यही था कि ज़्यादा जहाँ जैसा है वैसा ही दिखाएँ, नकली ना दिखाएँ, क्योंकि हम जैसे आएंगे तो हमें धोखा ना हो। और चैनल का यही है कि सच के साथ हम जो हकीकत है वही बताते हैं और वही हम दिखाते हैं, सच से सामने करने से हम नहीं घबराते। हमारे टीम मेंबर है वो फ़ोटो खींच रहे हैं और ये है एटीवी और इनकी सहायता से आप जो आगे ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ तक आप जा सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है लगभग 500 से 1000 के डिस्टेंस पर है और कितनी दूरी पर है उसके अनुसार निर्भर करेगा। आप आगे जहां बर्फ़ है वहां तक ये जाते हैं और ये कोक्सर विलेज है और कोक्सर और मैंने अटल टनल का एक वीडियो दिखाया था। और यदि आप वापस और देखना चाहते हैं आज लेटेस्ट वाला तो कमेंट करके बताइएगा। और ये नदी की जो आवाज़ है, आपका कितना भी डिप्रेशन हो, कितना ही हसल बसल से परेशान हो चुके हैं तो कुछ पल नदी के पास बैठिएगा, इस विहंगम नज़ारे को फील कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका जो एक फीलिंग आएगी वो बहुत ही शानदार, आपका मन हल्का हो जाएगा। कभी कभी हम भी नदी के किनारे बैठकर ऐसे सुकून के पल बिताते हैं, क्या आप ऐसे सुकून के पल बिताना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रोहतांग और मनाली ले हाईवे की और सिंकुला पास की मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले ये बर्फ़ मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तो रात में माइनस में चला जाता है और अधिकतम 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सन ग्लासेज ज़रूर पहन के आइएगा, ब्लैक गोगल्स, और उससे आपकी आँख है वो रिफ्लेक्शन की वजह से परेशान नहीं होगी। और पुल के ऊपर आपको लिए चलेंगे, वहाँ कितना ट्रैफिक है। और रोहतांग पास की हम बात करें, ये कोक्सर विलेज है उस तरफ, तो रोहतांग पास अप्रैल के अंत तक खुल जाना चाहिए और उसके लिए आप जितना जल्दी बुकिंग कराएंगे उतना फ़ायदे में आप पाएंगे। और मनाली ले हाईवे अभी भी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुआ है और मनाली ले हाईवे पर दारचा तक जा सकते हैं, दारचा से आगे 4x4 का यूज़ करते हुए सिंकुला साइड जा सकते हैं, वहाँ जहाँ तक अलाउड किया जाता है। तो इस प्रकार का मनोरम दृश्य है कोक्सर विलेज का, जो अपने आप में जन्नत जैसा नज़र आता है, जहाँ सनलाइट डायरेक्ट गिरती है, जल्दी बर्फ़ मेल्ट हो रही है, ये बर्फ़ काफ़ी दिन तक चलेगी,
टेंशन मत कीजिएगा, कोक्सर में आगे बर्फ है, रोहतांग भी खुलने वाला है और यहाँ तक अलाउड किया जा रहा है। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार करते हुए जय।